हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग, वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स। आप सभी का फ्यूचर टाइम्स कोचिंग की एप्लीकेशन और यूट्यूब पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू किए होंगे। आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ केमिस्ट्री या बायोलॉजी और फिजिक्स में कुछ एग्जामिनेशन में आपने देखा होगा कि हमेशा इन्वेंशन और डिस्कवरी से क्वेश्चन आते हैं। फलाना क्वेश्चन आपने देखा होगा कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, फोन का आविष्कार किसने किया, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया। ऐसे आपने इन्वेंशन और डिस्कवरी वाले क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपने देखे होंगे। तो आज की शॉर्ट वीडियो में मैं आपको कुछ इन्वेंशन और डिस्कवरीज याद करवाने वाली हूँ। उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि यूट्यूब पर हम 17 तारीख को शाम को 7 बजे एक बहुत बड़ा गिव अवे रखने वाले हैं आप लोगों के लिए। अब इस गिव अवे में क्या होने वाला है उसको जानने के लिए आप 17 जून को आप शाम को 7 बजे हमारे इसी चैनल पे फ्यूचर टाइम्स कोचिंग पे आप लोगों को आना है। यकीन मानिए आप लोगों के लिए बहुत बेहतर होने वाला है, आइएगा जरूर। वो अब पता आपको तभी लगेगा कि किस टाइप का गिव अवे है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पर इन्वेंशंस के बारे में मैं क्लास लेने वाली हूँ। आपने अक्सर हर एक एग्जाम में देखा होगा, किसी स्पेसिफिक एग्जाम की बात नहीं है कि मैम आरआरसी ग्रुप डी में आते हैं या एनटीपीसी में पूछे जाते हैं, या ऐसा नहीं है कि एनडीए सीडीएस में। हर एक वनडे एग्जाम में, चाहे आपका लैब असिस्टेंट का एग्जाम हो, चाहे सीएचएसएल का एग्जाम हो, सीजीएल का एग्जामिनेशन हो, या आपका कोई भी आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं, उसमें आपके ये इन्वेंशन वाले क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे पहला आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन ये है कि टेलीविजन का इन्वेंशन किसने किया था। टेलीविजन जो आजकल तो आप एलसीडी वगैरह आ गई हैं वो आप देखते होंगे, लेकिन जो टेलीविजन पहले वाला जो इस तरीके से ऐसे फाटक खुलता था, सबसे पहले टेलीविजन का इन्वेंशन किसने किया था, टेलीविजन के आविष्कारक कौन है, तो आप बताओगे जॉन लॉजी बर्ड। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, तो अब इतना बड़ा नाम है आपको इतना नाम याद करने की जरूरत नहीं है। जब भी एग्जाम में आएगा तो कभी कभी इस तरीके से भी आ जाता है एग्जाम में, जे एल बेर्ड नाम से भी आ जाता है। तो आप सिर्फ लॉजी बर्ड नाम का याद कर लो, एल बर्ड याद कर लो। ठीक है, तो टेलीविजन का इन्वेंशन किसने किया है, जॉन लॉजी बेर्ड ने किया है। उसके बाद दूसरा आता है किसका, हु इन्वेंट टेलीफोन, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। अगर आपसे टेलीफोन का पूछ ले तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, ग्राम बेल ने। इसको तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि जब हम किसी को टेलीफोन करते हैं तो रिंग जाती है ना, बेल जाती है, घंटी बजती है। बेल को हम हिंदी में क्या याद करेंगे, घंटी बजती है। तो इस तरीके से आप ग्राम बेल नाम से याद कर सकते हैं। ग्राम बेल ने क्या किया था, किसका आविष्कार किया था, टेलीफोन का आविष्कार किया था। उसके बाद तीसरा पूछे आपसे कि एयर कंडीशनर, जो एसी होता है, एयर कंडीशनर जो आजकल बिल्कुल काम नहीं कर रहे क्योंकि हद लेवल की गर्मी पड़ रही है और ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि अब एसी भी बहुत ज्यादा कूलिंग नहीं कर रहे हैं। तो जब बात करते हैं एसी का इन्वेंशन किसने किया था, तो आप बताएंगे विलिस हैविलैंड कैरियर ने। विलिस हैविलैंड कैरियर ने, जैसे आप ट्रिक से याद कर सकते हो कि अगर आपने अपना अच्छा कैरियर बना लिया तो आप एसी में बैठोगे, है ना, एसी में बैठ के बढ़िया सा अपना ऑफिस में अपना काम करोगे। तो ठीक वैसे ही आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि एयर कंडीशनर एसी का आविष्कारक किसके द्वारा किया गया था, तो आप बताएंगे विलिस हैविलैंड कैरियर। तो एसी कैरियर बना लो, फिर एसी एसी वाले ऑफिस में आप बैठ जाइएगा। तो इसका आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला आता है कि फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था। ये तो आपने देखा होगा हर एग्जाम में आता है क्वेश्चन। तो जब बात करते हैं फाउंटेन पेन में, तो फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था वाटरमैन ने। किसने, वाटरमैन ने, फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन ने किया था। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं जो हर एग्जाम में आती हैं। मैं इसकी 2-3 सीरीज अपलोड करने वाली हूं, जिसमें से फर्स्ट सीरीज ये है, क्योंकि एक साथ सारे याद नहीं कर पाओगे बिकॉज नाम बड़े टफ हैं। अगर पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं तो पूछ रहा है टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था। टेलीस्कोप से क्या करते हैं ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं, टेलीस्कोप का क्या यूज है मैं पहले से पढ़ा चुकी हूं। आपसे पूछ रहा है कि टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया, तो आप बताएंगे गैलीलियो ने किया था। गैलीलियो ने, हमने एसी पढ़ लिया, हमने टेलीफोन पढ़ लिया, हमने टेलीविजन पढ़ लिया, हमने टेलीस्कोप पढ़ लिया, राइट। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आता है कि जो स्टीम इंजन है, जो भाप का इंजन है,
उसका इन्वेंशन किसके द्वारा किया गया था? जेम्स वॉट। जेम्स वॉट ने क्या किया था आप बताएंगे बच्चा? जो स्टीम इंजन है, भाप का इंजन है, उसका आविष्कार किया था। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में फैक्चुअल नोट्स की फॉर्म में आप पढ़ते हैं, और बुक्स में भी आप पढ़ते होंगे क्विक रिविजन की फॉर्म में। अगला नेक्स्ट, इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जो डीजल इंजन है, डीजल इंजन है, उसकी खोज किसने की थी? तो रुडोल्फ डीजल ने। अब इसके बारे में तो आपको ज्यादा याद करने का, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यहां पर भी डीजल है, यहां पर भी डीजल है। तो डीजल इंजन, भाप इंजन का किसने किया था? जेम्स वॉट ने। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? रुडोल्फ डीजल ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक बल्ब, जो विद्युत बल्ब होता है हमारे घरों में, विद्युत बल्ब से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किसका बना हुआ होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फ्यूज वायर होता है वो किसका बना हुआ होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर कौन कौन सी गैसेस होती हैं। अब आज क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन किसने किया था? तो आप बताएंगे बच्चा, थॉमस एल्वा एडिसन ने। किसने? थॉमस एडिसन, आप याद कर लो, थॉमस एडिसन, क्योंकि एडिसन तो आएगा ही आएगा ऑप्शन में, जब भी पूछेगा तो एडिसन हमेशा ऑप्शन में रहेगा ही रहेगा। तो किसने किया इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार? तो आप बताएंगे एडिसन ने किया। ये सारे नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटम बम, परमाणु बम, एटम बम कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? तो एटम बम कौन से प्रिंसिपल पे? आप जानते हैं कि परमाणु बम न्यूक्लियर फीजन की प्रोसेस पे काम करता है, नाभिकीय विखंडन पे काम करता है। हाइड्रोजन बम आपका न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पे आधारित है। और सबसे पहला जो एटम बम बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था? आप बताएंगे बच्चा, यहां पर फर्स्ट जो एटम बम था वो बनाया गया था रॉबर्ट ओपेनहाइमर के द्वारा। रॉबर्ट ओपेनहाइमर के द्वारा सबसे पहला एटम बम, परमाणु बम बनाया गया था। और परमाणु बम किस प्रोसेस पे आधारित है? तो न्यूक्लियर फीजन, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पे आधारित है। ये बात याद रखिएगा। और एक बात आप ये भी याद कर सकते हैं कि फर्स्ट एटम बम का नाम क्या दिया गया था? लिटिल बॉय इसका नाम रखा गया था, लिटिल बॉय इसका नाम रखा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो रिवॉल्वर है, रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? अब रिवॉल्वर मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्या होती है, आप सब बच्चे जानते हैं। रिवॉल्वर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? सैमुअल कॉल्टो के द्वारा। नाम थोड़ी से टफ है लेकिन आप दिमाग में एक बार सेट कर लोगे तो आप एक ऑप्शन भी मिलेगा तो आप सही आंसर कर दोगे। रिवॉल्वर का आविष्कार किया था सैमुअल कॉल्टो के द्वारा। सैमुअल कॉल्टो, सिर्फ कॉल्टो याद करो, रिवॉल्वर कॉल्टो के द्वारा इन्वेंटेड है। नेक्स्ट अगर अगला क्वेश्चन पूछे, पेट्रोल कार, जो पेट्रोल कार है, अभी हमने पढ़ा कि जो स्टीम वाला इंजन होता है उसका आविष्कार किसने किया, फिर हमने पढ़ा डीजल वाले इंजन का आविष्कार किसने किया, अब बोल रहे पेट्रोल कार। पेट्रोल कार का आविष्कार किया गया था कार्ल बेजो के द्वारा। किसके द्वारा? कार्ल बेजो के द्वारा पेट्रोल कार का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन, रेडियो, आजकल तो रेडियो का जमाना नहीं है, पहले आपने सुना हो तो रेडियो पे आकाशवाणी आता था, है ना? तो बच्चा रेडियो का आविष्कार किसके द्वारा? गुलिलमो मार्कोनी, सिर्फ मार्कोनी नाम याद कर लोगे तो भी चलेगा। मार्कोनी ने किसका आविष्कार किया? रेडियो का। हालांकि अब तो रेडियो एफएम सुनते हैं आप, है ना, तो रेडियो मार्कोनी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं किसकी, सीमेंट, फर्स्ट सीमेंट किसके द्वारा बनाया गया था? जोसेफ एस्पेडिन के द्वारा। पहला सीमेंट है वो किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था? तो बच्चा वो किया गया था जोसेफ एस्पेडिन के द्वारा, और जिसका नाम रखा गया था पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट भी जिसका नाम रखा गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक्सरेज की खोज किसने की थी? ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट एंटीबायोटिक, पहला सीमेंट कब बनाया, किसने बनाया, पहला एंटीबायोटिक किसने खोजा, एक्सरे की खोज किसने की, अल्फा बीटा गामा विकिरणों की खोज किसने की, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए मुझे लगा कि कुछ फैक्ट्स के फॉर्म में मैं ये सारी क्लासेस आपका पढ़ा दूं आपको, ठीक है। आप कभी भी देखें, किसी भी एग्जाम से पहले एक बार आप इनको क्विक रिवाइज करके जा सकते हैं। एक्सरे की खोज की थी रॉन्टजन ने, सिर्फ एक नाम याद रख लो, इतना बड़ा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, विलियम कॉनार्ड रॉन्टजन, ठीक है, आप सिर्फ रॉन्टजन याद कर लो। रॉन्टजन ने एक्सरेज की खोज की थी, जिसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होती है, जिनकी भेदन क्षमता बहुत ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोबाइल फोन, अब यह तो याद करना बनता है। देखो टेलीफोन का मतलब था लैंडलाइन,
ग्राम बेल ने किसका आविष्कार किया था? टेलीफोन, जो हमारे क्या होते थे, टेलीफोन जो हमारे घरों में पहले के जमाने में रहते थे। अब मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया? मार्टिन कोपर ने, मार्टिन कोपर ने मोबाइल फोन का आविष्कार किया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पूछ रखा है। पीस मेकर, व्हाट इज पीस मेकर? जब कभी किसी इंसान का नेचुरल पीस मेकर बोले तो ऐसे नोड, साइनो ऑरिक्युलर नोड खराब हो जाता है, तो उसका एक सर्जरी करके आर्टिफिशियल पीस मेकर डिवाइस लगाया जाता है। तो वो जो आर्टिफिशियल पीस मेकर, जिसको आप बोलते हैं कि फलाना इंसान के हार्ट की सर्जरी हुई है, उसे बैटरी लगी है, वो बैटरी नहीं है एक्चुअली, वो पेसमेकर है। तो पेसमेकर की डिस्कवरी किसने की है? पेसमेकर किसने खोजा? कहने का मतलब, खोजने का मतलब ये नहीं कहीं पड़ा था तो उसको मिल गया, मतलब वो डिवाइस बनाई। तो पेसमेकर को सबसे पहले किसने बनाया? तो आप बताएंगे बच्चा, जॉन हॉब्स ने। जॉन हॉब्स ने पहला पेसमेकर डिवाइस बनाया था, जिससे बहुत सारे लोगों की जान हर साल बचाई जाती है, जो बहुत सारे लोगों को बहुत अलग अलग तरीके से हार्ट अटैक आ जाते हैं और उनका हार्ट फेल हो जाता है, तो बच्चा पेसमेकर डिवाइस को काम में लिया जाता है। क्या कहता है? पेसमेकर डिवाइस को काम में लिया जाता है। तो अगर आपसे पूछ ले पेसमेकर का आविष्कार किसने किया था? जॉन हॉब्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, गाइगर मूलर काउंटर इंस्ट्रूमेंट की खोज किसने की थी? इसे बोलते हैं जीएमसी। व्हाट इज जीएमसी? बच्चा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का कितना परसेंट डिसइंटीग्रेशन हुआ है? आपने एक इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट में या आपने कांच के पात्र में कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने यूरेनियम लिख दिया, यूरेनियम की स्पॉन्टेनियसली डिसइंटीग्रेट होता रहता है, अपने आप विखंडित होता रहता है, और जैसे ही अपने आप टूटता है तो इससे तीन तरीके की रेडिएशन निकलती है, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन निकलती है इससे। तो कितना परसेंट या कितना भाग इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का डिसइंटीग्रेट हो गया है और उससे कितनी अल्फा बीटा गामा रेज निकल चुकी हैं, ये मेजर करने के लिए हम जीएमसी काउंटर को यूज में लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है, देन आप बताएंगे गाइगर मुलर काउंटर, जीएमसी। और ये जो जीएमसी है, इसकी खोज किसने की? तो आप बताएंगे बच्चा, हैंस गाइगर एंड वेल्डर मुलर, इसीलिए इसका नाम पड़ गया गाइगर मुलर काउंटर। दो साइंटिस्ट एक साथ थे जिनका नाम था हैंस गाइगर, तो यहां से गाइगर पड़ गया, और वेल्डर मुलर, तो यहां से बच्चा मुलर पड़ गया। तो जीएमसी से हम रेडियो एक्टिविटी को मेजर करते हैं, कितनी अल्फा बीटा गामा रेज निकल चुकी है और कितना कोई भी यूरेनियम या फिर कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो डिसइंटीग्रेट हो गया है। तो जीएमसी की खोज दो साइंटिस्ट ने एक साथ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, पोलियो वैक्सीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पोलियो से बचाव के लिए पोलियो का वैक्सीन बनाया गया, पोलियो का टीका बनाया गया, और बच्चा उस टीका के आविष्कार, देखो पहले आती थी दो बूंद जिंदगी की, सॉरी पहले टीका लगता था, वैक्सीन लगता था पोलियो के लिए, तो पोलियो का जो वैक्सीन है वो बनाया था जोनास सॉल्क ने, ठीक है, सॉल्क ने, ठीक है बच्चा। लेकिन अगर आपसे पूछ ले जो ओरल ड्रॉप पिलाते थे आप, जिसको बोलते थे ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसे हम दो बूंद जिंदगी की बोलते थे, ये किसने बनाया है? तब आप कहेंगे अल्बर्ट सेबिन ने। ये किसने बनाया था? अल्बर्ट सेबिन ने। तो दोनों क्वेश्चन ढंग से पढ़ना और ढंग से आंसर करना। अगर बोले पोलियो का टीका का आविष्कार किसने किया? जोनास सॉल्क ने किया। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पोलियो की जो दवाई आती है वो किसने बनाई थी, तो अल्बर्ट सेबिन ने बनाई थी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, रेबीज का वैक्सीन, जब आपको कुत्ता बिल्ली या बंदर काट देता है तो हम क्या लगवाते हैं? हम एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवाते हैं। तो उसी वैक्सीन के, उस टीके को बनाने वाले साइंटिस्ट कौन थे? तो उस टीके को बनाने वाले साइंटिस्ट थे लुईस पाश्चर। बच्चा, लुईस पाश्चर बायोलॉजी में या माइक्रोबायोलॉजी में बहुत बड़ा नाम है। इनफैक्ट लुईस पाश्चर को मॉडर्न फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, आधुनिक सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है इनको। लुईस पाश्चर अपने आप में बहुत बड़े नाम है। तो जब बात करते हैं लुईस पाश्चर ने कौन सा वैक्सीन बनाया था, तो आप बताएंगे रेबीज का वैक्सीन। रेबीज, रेबडा वायरस, उसके अगेंस्ट में जो एंटी रेबीज लगाते हैं आप, उसके आविष्कार कौन है? वो लुईस पाश्चर है। ये सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आएंगे वैक्सीनेशन वाला, ठीक है, पोलियो वाली जोनास सॉल्क ने, और अगर आपसे पूछ ले कि रेबीज वाली वैक्सीन किसने बनाई, तो आप क्या बताएंगे बच्चा? लुईस पाश्चर ने बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है, एक प्रतिजैविक है।
पेनिसिलिन कब लिया जाता है? जब आपको बहुत ज्यादा बुखार हो, बहुत ज्यादा बदन वगैरह टूट रहा है आपका, उस समय जब कोई दवाई काम नहीं कर रही है, तो इसे रामबाण कहा जाता है, तब पेनिसिलिन को काम में लिया जाता है। और पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक, पहला एंटीबायोटिक था ये जो बनाया गया 1928-29 में बनाया गया था। उसके बाद सेकंड स्ट्रेप्टोमाइसिन था, क्लोरामफेनिकोल, ये सब आगे फिर आगे से आगे बनने लग गए थे। तो बच्चा किसने बनाया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये क्वेश्चन आते हैं सीमेंट का, पेनिसिलिन का, रेबीज वैक्सीन का, और जो आपका स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन है, चेचक का टीका किसने बनाया था? जरा कमेंट करके आप लोग सभी वीडियो के नीचे कमेंट करके ये बताइए कि स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन किसने बनाया था। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं बीसीजी का टीका, इन सारे से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछ रहा है क्रेस्कोग्राफ किसने बनाया था। आप क्रेस्कोग्राफ से क्या मेजर करते हैं वो मैं पहले पढ़ा चुकी हूं। और किसने? जगदीश चंद्र बोस। सर जगदीश चंद्र बोस ने सबसे पहले इसको बनाया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। तो आज की क्लास में बिल्कुल छोटी सी क्लास थी आपकी, इसमें मैंने 21 आपको डिस्कवरीज याद करवा दी है। ऐसे धीरे 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 आपको सारे के सारे जो डिस्कवरीज हैं किसके द्वारा क्या, जैसे आपने देखा होगा कि क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सबसे पहले, अभी सारी वैक्सीन आई नहीं है, आगे नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूंगी उस वीडियो में आपको मिलने वाला है कि बाकी की वैक्सीन किसने, कौन सा जर्म की खोज की, किसने कौन सा वैक्सीन का टीका बनाया, जैसे बीसीजी का टीका किसने बनाया, जैसे स्मॉल पॉक्स का टीका किसने बनाया, ये सारे मैं आपको बताने वाली हूँ धीरे धीरे करके, एक साथ सारा पढ़ाऊंगी, तो इनके नाम टफ है याद करना, इसलिए मुझे लगा 3-4 पार्ट में मैं आपको दे दूं। तो आज की क्लास बिल्कुल शॉर्ट छोटी सी क्लास थी, और इस क्लास में मैंने आपको 21 साइंटिस्ट के नाम याद करवा दिए हैं। इसमें अगर आपको ज्यादा नहीं याद करना है तो एक तो टेलीफोन, एक रेडियो, और उसके बाद आप फर्स्ट एंटीबायोटिक और सीमेंट और आप रेबीज वाले, ये 5 तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है, अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसी का पार्ट 2 करवाने वाली हूँ। ठीक है बच्चा, तो आज बिल्कुल छोटी सी क्लास थी, और नेक्स्ट वीडियो में भी मैं इसका पार्ट 2 पार्ट 3 लेकर आऊंगी। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।